यहाँ से नीचे भी एक गार्डन बनाया गया है, ये देखिए। तो ये है वो शेर जो मैं बता रहा था नीचे से आप लोगों को, ये देखिए, बहुत ही सुंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। सो गाइज, आज बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रहा हूँ, बिकॉज दो तीन दिन पहले तक मेरे एग्ज़ाम्स थे, फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया था। तो आज है 27th of March और आज है पुलिस वालों का एग्ज़ाम। तो मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ उसका सेंटर ढूंढने के लिए। तो उसका सेंटर है व्यास सदन में। तो मैप पे हमने देखा था कि जो सेंटर है वो भ्यूली के आसपास है। तो अभी हम भीमाकाली टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कहाँ मिलता है हमारे को सेंटर। ITI में भी है सेंटर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे खड़े हैं। ढूंढना है व्यास सदन, और यहाँ पे आप देख सकते हो जाम लग गया हुआ है, मतलब टेस्ट की वजह से। दिल्ली का फेमस गुरुद्वारा, तो वाहेगुरु जी सभी को खुश रखें। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, लगेगा अस्पताल जितना पड़ा है उतना अगर आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप जिस जिसने प्रेपरेशन की हो उनका क्लियर हो जाए। सदन हमको मिल चुका है, रो नंबर 9 में है। Few moments later. यह माता भीमाकाली का सुप्रसिद्ध मंदिर है जो कि मंडी टाउन के पास ही स्थित है, और आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ही सुंदर शेर की एक बहुत बड़ी सी आकृति बनाई गई है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये। भीमाकाली माता का यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा बाणसेन जी के द्वारा बनाया गया, जब उन्होंने भ्यूली में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और इस मंदिर का संबंध पांडव काल से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहां विपाशा नदी के किनारे कुछ दिन बिताए थे और यहां पे माता भीमाकाली की जो है स्थापना की थी। तो ये है वो शेर जो मैं बता रहा था नीचे से आप लोगों को, ये देखिए, बहुत ही सुंदर जो है इस मंदिर को बनाया गया है, बहुत ही सुंदर आकृतियाँ दी गई हैं यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। तो एक सेंटर जो है यहाँ पे मंदिर के अंदर भी बनाया गया है। तो अभी बच्चे अपना वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पे जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो केदार चला गया है पेपर देने के लिए और मैं आया हूँ मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप लोगों को भी कराता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है, अभी थोड़ा सा ऊपर भी दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। अनुमान गलत हो सकते हैं, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। इंसान दो तरीके से सीखता है, एक पढ़कर और दूसरा स्मार्ट लोगों के साथ जुड़कर। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। जय माता दी। बहुत ही सुंदर सुविचार यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और यहाँ पे शेर रखे गए हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू है, नीचे आप देख सकते हो व्यास नदी। ये हमारे भोलेनाथ शिव शंकर जी। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है यहाँ। तो ये सामने जो है पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, और फिर वो अंदर जा रहे हैं। तो नीचे से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, बट यहाँ से देखिए कितना सुंदर गेट बनाया हुआ है। मतलब एक तरह से ये पेड़ की शेप दी हुई है नीचे से, और ऊपर जो है श्री गणेश जी, शिव जी और शिव परिवार का पूरा चित्रण किया गया है। बहुत ज़्यादा सुंदर गेट बनाया हुआ है। तो
बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, मतलब बहुत ज़्यादा शांति मिली। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा था, तो अभी नीचे बैठता हूँ गार्डन में और वेट करता हूँ, क्योंकि अभी तो उसका एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म होगा, तो उसका सामान मेरे पास है तो मेरे को उसका वेट करना पड़ेगा। तो अभी 11 बजे हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होगा 1 बजे, तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं, 2 या 3, मतलब 2 घंटे हैं। तो देखता हूँ क्या करता हूँ। जी क्या मेरा ये जो फूल हो ना, हाँ जी जी, मेरा फूल मनोकामना हो पूरी पूरी नहीं फूल है। अच्छा पथरारा पीस। मुझे इस मंदिर की एक और बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने प्रकृति को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाई है। मतलब पेड़ जो है, पेड़ के बीच में मंदिर बनाया है, आप ये देख सकते हो, चट्टान की को भी वैसे ही रखा है, उसके ऊपर से जो है छप्पर डाला तो है। यहाँ से नीचे भी एक गार्डन बनाया गया है, ये देखिए बहुत सुंदर सा ये गार्डन है। और यहाँ पे जो है 5 पांडवों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिन्हें आजकल पेंट किया जा रहा है। और नीचे आप देख सकते हो शेर बनाया हुआ है, मतलब बहुत सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो यहाँ लिखा है नवग्रह पौधे, ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह पौधों की परिक्रमा करें, इनकी परिक्रमा करनी है। तो चलिए कर लेते हैं परिक्रमा, जय हो नवग्रह देवताओं की। तो बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा पार्क बनाया हुआ है, देखिए कितने सारे झूले हैं यहाँ पे। तो 1 बज गए हैं, अभी चलते हैं, और अभी जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होगा उनका, तो फिर मिलते हैं उससे। तो बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा दोस्त अभी तक नहीं निकला, पता नहीं क्या कर रहा है वो। अभी 1:10 हो गए, तो अभी हम आ गए हैं भ्यूली से, और यह है पंचवक्त्र भगवान का मंदिर, और अभी जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ भूतनाथ टेम्पल। तो जय हो भूतनाथ भगवान की। तो अभी इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया वो। तो इसमें पूछा गया था कि जो मंडी है वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसका बहुत इजी था, महाशिवरात्रि। अभी हम खा रहे हैं मोमोज, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं रूम, और इस व्लॉग में इतना ही, एक छोटा सा व्लॉग बना क्योंकि ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब थोड़े बीच बीच में व्लॉग्स आते रहेंगे, बट मेरी अब आगे के सेमेस्टर की क्लासेस भी लग रही है, तो थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आ सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच।